आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसका मजमून कमलनाथ जी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस चिट्ठी में आपको मुख्यमंत्री पद के साथ कांग्रेस से बाहर करने की मांग की गई है। सिख समाज ने सोनिया गांधी से कहा है कि आप सत्य को स्वीकार करें और 1 नवंबर 1984 के सिख दंगों के मुख्य आरोपी कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाएं, क्योंकि जब तक कमलनाथ पद पर बैठे हैं उनके मामले में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सिरसा की इस चिट्ठी ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। सिरसा ने इस नरसंहार के लिए सीधे सीधे कमलनाथ को आरोपी माना है। कांग्रेस के कई गुट इस मामले में सक्रिय हो गए हैं और कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश में कौन, इस पर भीतर ही भीतर चर्चा शुरू हो गई है। इस मामले का सीधा असर अब कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश की सियासत पर भी पड़ने वाला है। न्याय के लिए लड़ रहे मंजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, कमलनाथ जी आपके पास मुख्यमंत्री के रूप में गिनती के दिन बचे हैं, क्योंकि इस मामले में आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। कमलनाथ वहां पे था और कमलनाथ ने इंस्टिगेट किया क्राउड को। अब कमलनाथ के दिन गिनती के हैं। बड़ी जल्दी ही 1984 के कत्लेआम के केस में कमलनाथ को जेल जाना होगा। 1984 में रकाबगंज के कत्लेआम में कमलनाथ की क्या भूमिका थी, अब इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। इधर रकाबगंज गुरुद्वारे की घटना का रिक्रिएशन भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि घटना के दिन कमलनाथ किस अंदाज में थे, कमलनाथ ने कैसे लोगों को उकसाया और एक नरसंहार ने जन्म लिया। इस रिक्रिएशन में कमलनाथ का मुखौटा लगाए एक व्यक्ति हाथ में तलवार लिए दिखाया गया है। इसमें उस मंजर की भयावहता साफ नजर आ रही है। इन्होंने मेरी मां को मारा, खून का बदला खून से लेंगे। मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गिनती के दिन बचे हैं। सिख विरोधी दंगे के चश्मदीद संजय सूर्य ने गवाही दे दी है कि उस दिन कमलनाथ ने लोगों को उकसाया था। सिरसा का कहना है कि इस मामले में कमलनाथ को जेल भी जाना पड़ सकता है। 35 सालों से 1984 के सिख विरोधी दंगों में न्याय के लिए लड़ रहे लोगों के साथ खड़े नेता मंजिंदर सिंह सिरसा की माने तो दंगों के चश्मदीद संजय सूर्य ने सारा सच नानावटी आयोग को बताया है। इस मामले में SIT केस नंबर 601/84 के तहत इस मामले की जांच कर रही है। सिरसा ने अपने पत्र में सोनिया गांधी से कहा है कि सारी दुनिया की नजर आप पर है, आप इस मामले में नरसंहार के मुख्य आरोपियों कमलनाथ और जगदीश टाइटलर पर क्या एक्शन लेती हैं? जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पदस्थ करने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बधाई दी। प्रहलाद लोधी को लेकर कमलनाथ ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि यह BJP के नेताओं के 15 साल में किए कारनामों का नतीजा है, जो हर महीने हर हफ्ते सामने आएंगे। सरकार के बहुमत को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार कभी न अल्पमत में थी न आज है, आगे आगे देखिए नंबर और बढ़ेंगे। वहीं अपनी विदेश यात्रा को लेकर CM ने कहा कि मैं एशियन बिजनेस लीडर फोरम में हिस्सा लेने एक दिन के टूर पर दुबई जा रहा हूं, वहां व्यापारियों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे ताकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर आए। मेरी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, तो एक दिन के लिए 6 तारीख को मैं दुबई में सबसे चर्चा करूंगा कि बहुत सारे वहां उद्योगपति आते हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा कि वे मध्य प्रदेश में भी निवेश के बारे में सोचें। तहसीलदार से मारपीट करने के आरोप में जेल की सजा के बाद पवई विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा से सदस्यता रद्द किए जाने के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को एक तरफा बताया है। शिवराज ने कहा कि विधायक को उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन प्रक्रिया होने से पूर्व ही विधायक की सदस्यता निरस्त करना राजनीतिक द्वेष को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के संरक्षक होते हैं, यह संरक्षक का फैसला नहीं है, एक पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए लिया गया फैसला है। प्रहलाद लोधी जी को यह अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय जाएं, अपील के लिए उन्हें समय दिया गया है, उनको अपील के समय की सीमा के पहले ही जल्दीबाजी में ये जो फैसला किया गया है ये विधानसभा के
अध्यक्ष संरक्षक होते हैं विधायकों के, तो ये संरक्षक का फैसला नहीं है। एक पार्टी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक विद्वेषवश जल्दी में फैसला किया गया है, जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में जल्दबाजी में यह कार्रवाई की है। किसी भी व्यक्ति को उसका पक्ष रखने का अधिकार है। देश में कसाब और अफजल जैसे खूंखार आतंकवादी तक को सुनवाई का मौका दिया गया था, लेकिन एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनसे जुड़े मामले पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, वह निंदनीय है। पहला सिंह जी हमारे विधायक, इनके बारे में जो फैसला किया गया है, यह विधानसभा का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ, उनको सुनने का अवसर विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाना चाहिए था। विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात को सुनते, पूरी बात सुनने के बाद ही, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, कई विषय आए हैं सामने, जब विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी बात को सुना है। हम लोग हायर कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्चतम न्यायालय जाएंगे। ग्वालियर में शॉर्ट सर्किट से अचलेश्वर मंदिर के सामने स्थित लजीज होटल में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बमुश्किल दमकल अमले और पुलिस ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आते ही बिल्डिंग धू धू करके जलने लगी। इस बीच दो लोगों के होटल में फंसने से खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि दमकल अमले ने होटल में फंसे दोनों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आगजनी में लगभग 5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि आगजनी के दौरान होटल में कोई ग्राहक मौजूद नहीं था। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अब तक राशि न दिए जाने को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने केंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने कहा, शिवराज दोहरे मापदंड की राजनीति करते हैं। पहले शराबबंदी को लेकर शिवराज ने कई देशों का जिक्र किया था और कहा था कि शराबबंदी नहीं हो सकती, अब कुछ और बोल रहे हैं। जब शिवराज सत्ता में थे तो अलग भाषा का उपयोग करते थे और अब अलग बात करते हैं। शिवराज पहले केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाते थे, अब क्या उनको सांप सूंघ गया है? अब क्यों धरना नहीं दे रहे? मैं हमेशा से कहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का सत्ता में रहते हुए तर्क अलग होते हैं और सत्ता के बाहर जाते हुए तर्क अलग होते हैं। दोहरे मापदंड से पॉलिटिक्स करते हैं। मध्य प्रदेश का 12,500 करोड़ रुपया जो इसके हितों की, किसानों की रक्षा के लिए, इस आपदा के लिए, ये अति वर्षा के लिए किसानों को जाना चाहिए, इस सरकार ने बिहार का प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के बाद मिला, तमिलनाडु का प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के बाद मिला। कमलनाथ जी दो बार, एक बार गृह मंत्री से मिले, 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। तब आपको सांप क्यों सूंघ गया? आप क्यों नहीं विचार करते, क्यों मिलने नहीं जाते? पटवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अब तक प्रदेश को राशि नहीं दी गई है, केंद्र से राहत राशि लेना हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। जीतू पटवारी ने शिवराज को नसीहत दी और कहा कि वो योग और आत्मचिंतन करें और अपने मन के विचलन को कम करें। शिवराज पीड़ित किसान और जनता पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, जो कि सही नहीं है। ग्वालियर में खाद्य एवं नगरीय आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने रविवार सुबह ग्वालियर में वास्तविक सफाई अभियान शुरू किया। तोमर ने अपने साथियों के साथ बिरला नगर स्थित वार्ड 16 के न्यू कॉलोनी में चोक हुए नाले की सफाई की। मंत्री तोमर खुद नाले में उतरे और फावड़े से अंदर की गंदगी को बाहर निकाला। नाला चोक होने से इसका गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा था। प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचकर टॉयलेट साफ किए एवं झाड़ू लगाए। इस दौरान उनका रेलवे के अधिकारियों से विवाद भी हो गया था, जिस पर रेलवे अधिकारियों का कहना था कि रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी हमारा काम है, मंत्री अपना राज्य साफ करें और यहां राजनीति ना करें। मंत्री तोमर के फोटो को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद तोमर का हौसला और बढ़ गया और इसको लेकर उन्होंने वास्तविक सफाई अभियान शुरू कर दिया।
खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के नाले में उतरकर सफाई करने की खबर सुर्खियों में आने के बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली और चेतावनी देते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के अलावा कलेक्टर और शहर के दोनों विधायक मौजूद रहे। गौरतलब है कि खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में गंदगी की समस्या से नाराज होकर पिछले दो दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में नाला साफ कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। मंत्री जयवर्धन सिंह ने उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने का भरोसा दिलाया है। मंत्री जी ने तो एक अभियान चलाया है, वो एक उदाहरण बन रहे हैं सबके लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक कैबिनेट मंत्री जनता के लिए संकल्प लिया है कि वो लगातार 30 दिन सड़कों पर आकर सफाई हर सुबह करेंगे। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं बधाई देता हूँ इनको। लेकिन उसके अलावा चाहे हमने आज घोषणा की है कि जो सफाई के जो वाहन है वहाँ की मांग की गई है 24 करोड़ की, मैंने आश्वासन दिया है हम पूरी राशि इनको दिलवाएंगे। इसके अलावा जो भी राशि सड़कों की मरम्मत के आवश्यकता है वो भी हम पूरी करेंगे। बैठक में नगर निगम अधिकारियों ने जयवर्धन सिंह को सफाई संबंधी संसाधनों की जानकारी दी और सफाई वाहनों की कमी से अवगत कराया। इस पर विभागीय मंत्री जयवर्धन सिंह ने नगर निगम को वाहनों के लिए 24 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। जयवर्धन सिंह ने खाद्य मंत्री के नाले में उतरकर सफाई किए जाने की सराहना भी की और कहा कि स्वच्छता के लिए किसी कैबिनेट मंत्री का सड़क पर उतरकर काम करना जनता को जागरूक करने में सहायक होगा। लोक गायिका व अभिनेत्री माँ और प्रसिद्ध लोक कलाकार के इस लाडले की अंतिम विदाई के समय ममता नगर में जो कुछ हुआ वैसा केवल किस्से कहानियों में ही मिलता है। यह दृश्य किसी को भी रोने को मजबूर कर सकते हैं। माँ ने बेटे की अंतिम इच्छा के अनुरूप छत्तीसगढ़ी लोकगीत एकर का भरोसा चोला माटी के राम गाकर अंतिम विदाई दी। साथ ही कलाकारों ने ढोलक और हारमोनियम पर संगत देकर दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूनम तिवारी और रंगकर्मी दीपक तिवारी के बेटे सूरज तिवारी का हृदयघात से निधन हो गया। अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हुई, आरती तैयार हो गई। आरती तिलक के बाद मुक्तिधाम निकलने के पहले मां पूनम ने बेटे की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए दिल पर पत्थर रखा और अपने नाटक के लोकगीत एकर का भरोसा चोला माटी के राम गाया। यह गीत पूनम तिवारी सैकड़ों बार गा चुकी थी, लेकिन एक बेटे का माँ से हमेशा के लिए बिछड़ने की जो पीड़ा थी उसने सभी को रुला दिया। सूरज कुछ दिनों पहले बीमार हुए तो पल्स नेहरू नगर अस्पताल में भर्ती किए गए थे। थोड़ा आराम लगा तो 29 अक्टूबर को तिल्दा के एक गांव में कार्यक्रम देने चले गए। यह उनके जीवन की आखिरी प्रस्तुति थी। गायक वादक और रंग छत्तीसा के संचालक सूरज की मौत से कला के पुजारी इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूरज बचपन से पिता के नाटक चरणदास चोर को देखते आए हैं। उन्होंने हबीब तनवीरी के साथ काम किया, नाटक आगरा बाजार का सैकड़ों शो भी किए। कृषि मंत्री सचिन यादव ने साफ कहा कि किसान के नाम पर ढोंग करने वाली भाजपा की असली सच्चाई सबके सामने है। अब प्रदेश में अमानक खाद एवं बीज वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मिलावटखोर भाजपा सरकार में मिली भगत से बच जाते थे, मगर अब किसान हितैषी सरकार है, ऐसे लोग पर अब कठोर कार्रवाई होगी। हमारे किसान की जो है कमर तोड़ने का काम जो है पूर्व की सरकार ने उनके नुमाइंदों के साथ मिली भगत करके जो है हमारे किसान को बर्बाद करने का काम जो है उन्होंने पिछले 15 सालों में किया। सरकार बनने के बाद हमने इस पे संज्ञान में लिया और एक कड़ा रुख अख्तियार करके हमने ऐसे तमाम लोग जो हमारे किसानों को इस प्रकार से जो है लूटने उठने का काम करते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने के जो है निर्देश हमने हमारे विभाग को दिए। मध्य प्रदेश में अंडे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे दिए जाने को लेकर बयानबाजी का दौर लगातार जारी है।
यची मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि कांग्रेस को नरभक्षी बताने वाले भाजपाई खुद ही नरभक्षी हैं। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अगर अंडा दिया जा रहा है तो इसमें गलत बात क्या है? यदि जनता इसका विरोध करती है तो फैसला वापस भी ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया है कि आंगनवाड़ियों में जल्द ही बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अंडे दिए जाएंगे। भाजपा इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ऐसा कर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह उनकी संस्कृति के खिलाफ है। ये खुद नरभक्षी है, ऐसे इनके नेताओं ने कई कांड कर चुके हैं। और प्रोटीन्स की यदि जरूरत होती है एक बच्चों को, तो वो अगर देने की बात की है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर जनता को पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। जो जनता के हित में, जो जनता को और बच्चों को लगेगा, वही काम करेगी ये सरकार, जो जनता जिससे खुश रहे। मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन बढ़ता जा रहा है। हरदा में विधायक कमल पटेल ने अवैध उत्खनन को लेकर खनिज अधिकारियों की जमकर खिंचाई कर दी। पटेल ने खनिज अधिकारी ओपी बघेल और इंस्पेक्टर संजय सोलंकी को आड़े हाथों लिया और नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने के निर्देश दिए। कमल पटेल ने खनिज अधिकारी ओपी बघेल से जब अवैध उत्खनन को लेकर सवाल जवाब किए तो उनके जवाब से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके पास खनिज से संबंधित जानकारी ही नहीं है। विधायक ने खुद इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। पटेल ने उन्हें कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि जगह जगह रेत के स्टॉक लगे हुए हैं। नर्मदा से नावों के जरिए रेत निकाली जा रही है। ओवरलोड डंपर से सड़कें दम तोड़ रही हैं, जिसके चलते राजस्व की बजाय नुकसान अधिक हो रहा है। खनिज अधिकारी ने बताया कि हमने कई बार निवेदन किया लेकिन अवैध उत्खनन वाले नहीं मान रहे। इस बात से यह तो साफ है कि खनिज अधिकारी को सारी जानकारी होने के बाद ही अवैध उत्खनन किया जा रहा है और अधिकारी रेत माफियाओं से डर रहे हैं। इसको लेकर कमल पटेल ने कहा कि आप निवेदन नहीं करिए, कार्रवाई करिए। सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, आप कार्रवाई करिए, मैं आपके साथ हूँ। दंतेवाड़ा में फिर एक बार 3 लाख के इनामी नक्सली सेक्शन कमांडर बामन मंडावी ने दंतेवाड़ा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली बामन मंडावी पर 26 जवानों और ग्रामीणों की हत्या के मामले में कई अपराध दर्ज है। बताया जा रहा है कि बामन मंडावी टहकावारा हमले में भी आरोपी था, जिसमें 17 CRPF के जवान शहीद हुए थे। बामन मंडावी 2010 से नक्सली संगठन से जुड़ा है। SP अभिषेक पल्लव ने बताया कि लगातार पुलिस के दबाव और प्रयास के चलते बामन ने आत्मसमर्पण किया। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा। बामन को नक्सली गतिविधियां बढ़ाने की जवाबदारी दी गई थी। आत्मसमर्पण करने के बाद बामन को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पुलिस के बढ़ते दबाव से और मिडकॉम के सरेंडर करने के बाद अपने क्षेत्र में रोड काटने के कारण गाँव वालों का दबाव से, गाँव वालों की मदद से बामन जो है सरेंडर हुआ है। और अभी उसी क्षेत्र में पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो बाकी एरिया कमेटी सदस्य, जो कटे कल्याण एरिया कमेटी के बचे हैं, हमारी कोशिश होगी कि वो भी आत्मसमर्पण करें। हरदा में लोकायुक्त पुलिस की टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में पदस्थ एक तत्कालीन अधिकारी की शिकायत पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक बाबू को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भोपाल लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय हरदा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 जितेंद्र कुमार चौधरी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चाय की एक दुकान पर रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि बाबू द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष कुमार आजाद से पदस्थापना के समय की वेतन व एरिया निकालने, LPC जारी करने तथा सेवा पुस्तिका भेजने के एवज में पैसे की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत आशीष आजाद ने भोपाल लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को की थी, जिसके सत्यापन उपरांत कार्रवाई की गई। लोकायुक्त पुलिस टीम में डॉक्टर सलील शर्मा सहित 10 सदस्यीय टीम मौजूद रही।
मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जैसी नगर में सड़क निर्माण का कार्य करने वाली कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है। केसीसी कंपनी द्वारा अवैध तरीके से उत्खनन कर शासन को राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद खनिज विभाग अधिकारी आर के कैथल के साथ खनिज इंस्पेक्टर राजेश गंगेले ने मिलकर भापेल जैसी नगर सड़क का निर्माण कर रही केसीसी कंपनी की साइट पर दबिश दी और एक पोकलेन मशीन और 5 डंपरों को अवैध मुरम का उत्खनन करते हुए जब्त किया। केसीसी कंपनी भापेल जैसी नगर सड़क का निर्माण कार्य कर रही है, उसने बिना परमिशन के मुरम का अवैध उत्खनन कर रही थी, इसलिए उसके खिलाफ अवैध उत्खनन केस बनाया है और अवैध उत्खनन केस बना करके कलेक्टर कोर्ट में कल ही हमने दर्ज कर दिया है और कलेक्टर कोर्ट में उसकी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही खनिज विभाग की टीम ने एक अन्य डंपर को गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया है। खनिज अधिकारी आर के कैथल ने बताया कि भापेल जैसी नगर रोड के ठेकेदार बिना परमिशन के अवैध रूप से मुरम का उत्खनन कर मुरम का प्रयोग रोड निर्माण में कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 डंपरों को जब्त कर अवैध मुरम उत्खनन का मामला दर्ज किया है और मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर के पास प्रतिवेदन भेजा गया है। भोपाल नगर निगम के 2 भागों में बंटने के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत हिरदाराम नगर में विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। भाजपा का कहना है कि नगर निगम को 2 भागों में बांटकर कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ भेदभाव किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश इसरानी ने कहा कि एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कमलनाथ सरकार का यह फैसला है। कांग्रेस को यह डर है कि उनके महापौर और पार्षद जीत नहीं पाएंगे। इंदौर जैसी जगह में भी नगर निगम एक ही है, फिर भोपाल को बांटने का प्रस्ताव क्यों? यह सोचने वाला विषय है। पुतला दहन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस की नीतियों के विरोध में, भोपाल के बंटवारे के विरोध में कांग्रेस सरकार का एक पुतला जलाया जाया, जिसमें भोपाल के बंटवारे का पुरजोर विरोध किया गया। हम तो कांग्रेस सरकार यही पूछ बात बंटवारे की बात करें, किसी क्षेत्र में आप 31 वार्ड देते हैं, किसी में 56 वार्ड देते हैं, तो किस हिसाब से आप बंटवारा करते हो? आप जो समुदाय विशेष के आधार पर बंटवारा कर रहे हैं उसको हम किसी कीमत में नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।